स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अवर चैप्टर 5 मोर अबाउट बर्ड्स. ओके, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अपना जो चैप्टर है उसका रीडिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू रीलर्न. ओके, यहाँ पर ये रीलर्न बॉक्स है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करेंगे. ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फैदर्स. ओके, बर्ड्स एकमात्र ऐसे जानवर होते हैं जिनके क्या होते हैं, पंख होते हैं. विंग्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई. विंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं. पंख जो होते हैं वो बर्ड्स को उड़ने में मदद करते हैं. बर्ड्स बोन आर होलो एंड फिल्ड विथ एयर. इट्स बॉडी इज शेप्ड लाइक अ बोट. ओके, बर्ड्स जो होती है उनकी जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है. और क्या होता है, उनमें हवा होती है, उनमें हवा भरी हुई होती है जिससे वो क्या फील करती है, बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करती हैं. इट्स बॉडी इज शेप लाइक अ बोट. और जो बर्ड्स होती है उनकी जो बॉडी होती है वो किसकी शेप की होती है, बोट की शेप की होती है, नाव की शेप की होती है. बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फैदर्स. पक्षी जो होते हैं उनके 3 तरह के पंख होते हैं, फ्लाइट फैदर्स, डाउन फैदर्स एंड बॉडी फैदर्स. ओके, फ्लाइट फैदर्स होते हैं उड़ने वाले पंख जिसको हम कहते हैं, डाउन फैदर्स होते हैं और बॉडी फैदर्स होते हैं. ठीक है, तो ये 3 तरह के जो पंख होते हैं वो पक्षियों में होते हैं. सम बर्ड्स डू नॉट फ्लाई विच आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स. कुछ पक्षी जो कि उड़ नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है, उड़ने में असमर्थ पक्षी कहा जाता है. ओके, दोज बर्ड्स विच लीव इन वाटर और स्पेंड देयर टाइम इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक बर्ड्स. कुछ पक्षी जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं या अपना कुछ समय जो है वो पानी में बिताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पानी में रहने वाले पक्षी कहा जाता है, जलीय पक्षी कहा जाता है. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू स्केप फ्रीजिंग कोल्ड विंटर. माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की जो ठंड होती है उससे बचने के लिए क्या करते हैं, लंबी दूरी पर निकल जाते हैं, मतलब कि लंबी दूरी के लिए निकल जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स एंड ब्रिंग अप देयर बेबीज. जो पक्षी होते हैं वो घोंसला किस लिए बनाते हैं, अपने अंडे देने के लिए, और जो अपने बच्चे हैं उनको पालने के लिए वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं. ठीक है, तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर के जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज पार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज पार्ट. अवर ए ब्लॉक इज टिक द राइट ऑप्शंस. ओके, यहाँ पर हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन करने हैं, मतलब कि इन क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बर्ड्स बोन्स आर फिल्ड विथ. जो बर्ड्स होती है उनकी बोन्स जो होती है, हड्डियाँ जो होती है वो किससे भरी हुई होती है, वाटर, फ्लैश या एयर. उनमें पानी होता है, मांस होता है या फिर हवा होती है. तो अ बर्ड्स बोन्स आर फिल्ड विथ एयर. ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेदर्स कीप द बॉडी वार्म. ओके, कौन से फेदर होते हैं जो कि बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स या बॉडी फेदर्स. ओके, तो बॉडी को गर्म रखने का काम कौन से फेदर्स करते हैं, डाउन फेदर्स. तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी. ओके, नाउ थर्ड वन इज, वुडपेकर यूज इट्स बीक टू डिग अ होल इन डैश. जो वुडपेकर होता है, जो काठ फोड़वा होता है जिसको हम कहते हैं, तो
वो अपनी चोंच का यूज़ किसके लिए करता है, किस चीज़ में होल करने के लिए वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है? ट्रंक, स्टेम या रूट? ओके, जो वुडपेकर होते हैं वो कहाँ पर अपना नेस्ट बनाते हैं? मैंने आपको बताया था कि वुडपेकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ के जो तना होता है उसमें क्या करते हैं, छेद कर देते हैं और उससे क्या, अपनी चोंच से वो उसमें होल करते हैं और वहाँ पर ही अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ होते हैं हमारे, जो ट्री होते हैं, उसकी ट्रंक में वो क्या करते हैं, होल करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ट्रंक। ओके, तो हम इस पर टिक कर देंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड? इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता है, उड़ने में असमर्थ है? ऑप्शन ए है हमारा पिजन, ऑप्शन बी कीवी या फिर ईगल। तो पिजन और ईगल जो है वो उड़ सकते हैं और कीवी जो है वो क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड है। जो कीवी होता है वो क्या कर सकता है, उड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो हम कीवी पर टिक लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन फ्लाइज एट ग्रेट हाइट? इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है? ठीक है, वल्चर, कॉक या स्पैरो, इन तीनों में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है? तो कॉक को आप देखेंगे तो कॉक जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ता है, मतलब कि बहुत कम दूरी के लिए उड़ता है, और स्पैरो जो है वो बहुत ही कम हाइट पर उड़ती है। ठीक है, तो आपका जो वल्चर होता है, जो आपकी चील होती है, गिद्ध जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, वल्चर। तो हम इसे टिक कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी ब्लॉक, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके लिए आपको वन वर्ड बताना है। ठीक है, कि इनको क्या कहा जाता है, एक शब्द में इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड्स विच लिव इन वाटर, पक्षी जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है, बर्ड्स विच लिव इन वाटर, वो पक्षी जो कि पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्वाटिक बर्ड्स कहा जाता है, जलीय पक्षी कहा जाता है, पानी में रहने वाले पक्षी कहा जाता है, तो एक्वाटिक बर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई, वो पक्षी जो कि उड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे पक्षी जो कि उड़ नहीं सकते उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है, उड़ने में असमर्थ पक्षी कहा जाता है। ठीक है, बर्ड्स विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर ड्यू टू सीजनल चेंज, वो पक्षी जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं सीजन चेंज होने के दौरान, तो उन पक्षियों को क्या कहा जाता है जो कि सीजन चेंज होते वक्त एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है, प्रवासी पक्षी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेस वेयर बर्ड्स ले है एग्स। ओके, तो वो जगह बतानी है हमें जहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो कौन सी जगह है वो ऐसी, नेस्ट। ओके, जो घोंसला होता है उसमें पक्षी जो होते हैं वो अपने अंडे देते हैं। फेदर्स विच एक्ट लाइक अ वॉर्म स्वेटर, वो पंख जो कि एक गरम स्वेटर की तरह काम करते हैं, गरम स्वेटर की तरह एक्ट करते हैं, वो कौन से फेदर होते हैं, डाउन फेदर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इनको वन वर्ड में क्या कहा जाता है वो हमने यहाँ पर देखा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ अवर सी ब्लॉक इज, फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उनमें से अलग कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डक, स्वान, वल्चर। ओके, इस इन तीनों में
अलग कौन सा है वो हमें बताना है। डक, स्वान और वल्चर में क्या अलग है ये हमें बताना है, ठीक है। तो डक और स्वान ये दोनों क्या हैं, एक्वाटिक बर्ड्स हैं, और वल्चर जो है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हाइट पर उड़ता है, बहुत ही ऊंची हाइट पर उड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, एक्वाटिक बर्ड्स हैं, और वल्चर जो है वो एक्वाटिक बर्ड्स नहीं हैं, इसलिए वल्चर क्या है इन तीनों में अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है हमारा कॉक, हैन, ईगल। ओके, जो मुर्गा है, मुर्गी है और बाज है, इन तीनों में अलग कौन है, ठीक है। तो कॉक और हैन जो है वो क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर उड़ते हैं, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पर उड़ते हैं, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड होती हैं। और ईगल जो है वो ग्रेट हाइट पर और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उड़ती है, ठीक है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ती है और बहुत दूरी तक के लिए उड़ती हैं। तो ये क्या है, इन तीनों में अलग है, ये दोनों शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ती हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस बर्ड है, और ये ग्रेट हाइट पर उड़ती है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा पिकॉक, पेंगुइन और स्पैरो। ठीक है, पिकॉक है, पेंगुइन है और स्पैरो है, इन तीनों में अलग कौन है। तो पिकॉक और पेंगुइन जो है वो क्या करते हैं, ग्राउंड पर अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है। पिकॉक और पेंगुइन जो होते हैं वो ज़मीन पर अपना घोंसला बनाते हैं, और स्पैरो जो है वो क्या करती है, पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती है, इसलिए स्पैरो जो है वो पेंगुइन और पिकॉक से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सी ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज पार्ट जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिमेनिंग है, सो उन क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ तक का एक्सरसाइज पार्ट आपको अपनी पेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज पार्ट। नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट ऑल एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लेसन 5 इन योर पेयर कॉपी। ओके, आज जितना भी एक्सरसाइज पार्ट हमने लेसन 5 का समझा है उसे आपको क्या करना है, अपनी पेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।